नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सकती है। क्योंकि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो दिमाग में 100 सवाल चलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नया स्टार्टअप शुरू करने लगते हैं तो सपोर्ट भी नहीं मिलता है। और सबसे मुश्किल तब आती है जब आप एक बंधी बनाई नौकरी को छोड़कर आपको लगता है कि नहीं, नौकरी तो मेरे से नहीं हो पाएगी, अब मैं बिज़नेस की तरफ रुख करूँगा। तो ऐसे में सपोर्ट तो दूर की बात है, आप पहले अपने आप को ही समझाने में आपको टाइम लग जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आपको समझा देते हैं तो दूसरों को समझाने में टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने का हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उन्होंने बिजनेस बहुत ही कम में स्टार्ट किया और उसके बाद आज अच्छा खासा उनका नाम है। ऐसी एक कहानी है नमिता की, जिन्होंने अच्छी खासी बैंक की नौकरी छोड़कर, अच्छे रेप्यूटेटेड बैंक्स में उन्होंने काम किया, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वो योगी बन गई और अब सबको रोग मुक्त कर रही हैं। नमिता की कहानी क्या है, क्या कुछ उनको मुश्किलें आई, तमाम चीज़ें इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, देखते रहिएगा। ओके क्रेडिट। नमिता एक बैंकर के रूप में सिटी बैंक, अवीवा और जनरली जैसी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में काम कर चुकी हैं। जी हाँ, नमिता के बारे में अगर हम बात करें तो आज वो एक बैंकर नहीं बल्कि योगी के रूप में जानी जाती हैं। नमिता बताती हैं, तनाव से निपटने के तरीके ढूंढते ढूंढते उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ पाठ्यक्रम भी पूरा किया और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, कैम्ब्रिज समर स्कूल, ईकॉन, द हिमालयन इंस्टीट्यूट, डेविड फ्रॉली के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज, चिन्मय मिशन, इंडी योग, पाउलिस जेंक जैसे संस्थानों के कार्यशालाओं में भाग लिया। नमिता के हठ योग में आसन, क्रिया मुद्रा और प्राणायाम शामिल हैं। उन्होंने वो अपने चैनल पर लोगों तक पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, नमिता क्योर डॉट फिट नामक प्रसिद्ध फिटनेस ऐप पर सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षकों में से एक हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। जीवन में कल्याण के उच्च महत्व का एहसास होने और प्रतिष्ठित संस्थानों में ध्यान के व्यापक अध्ययन से सुसज्जित नमिता ने अप्रैल 2017 में अपनी खुद की कंपनी योगानामा वेलनेस की स्थापना की। नमिता की कंपनी मुंबई में स्थित योगानामा वेलनेस कई तरह के वेलनेस सेवाओं की पेशकश करने के लिए योग और आयुर्वेद का मिश्रण करती है। ये कंपनी आसनों से परे योग का विस्तार करते हुए आयुर्वेद का महत्व लोगों को समझाते हुए आयुर्वेद दर्शन के जरिए जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही है। योगानामा वेलनेस सोशल मीडिया कैंपेन, क्लासेस, योगानामा एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। नमिता उन लोगों में शामिल है जो अपने जुनून और जज्बे से आगे बढ़ी और अपने समाज कल्याण वाले व्यवहार से लोगों को फिट रखने की सेवा दे रही हैं। अपने टैलेंट को लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर नमिता समाज कल्याण का भी काम कर रही हैं। नमिता की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरक कहानी है जो हमें लोगों की भलाई और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो देखा आपने, ये थी नमिता की कहानी। ऐसी कई नमिता हो सकती हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बिजनेस शुरू करना है। और नौकरी छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, आप किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते। और हाँ, नौकरी में कहीं ना कहीं इंसान बंध जाता है, आपको छुट्टी लेनी है, तब कई पापड़ बेलने पड़ेंगे, सैलरी का वेट करना है, सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे में अपना बिजनेस होता तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए आपको जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और नमिता की कहानी सुनकर आपको लग गया होगा कि करना नामुमकिन नहीं है। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मुश्किलें किस काम में नहीं है, हर काम में मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किलों से पार पाना आपके हाथ में है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।